चक्कर में नहीं है। यहाँ पे मैं आ जाऊंगा, यही रुकी हुई है। चलो करेंगे इस पे पूरा। डीजे वाले बाबू जरा गाना बजा दो। तो दोस्तों मैं यहाँ स्टेज के सामने आ चुका हूँ। वहाँ पे मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि वहाँ बहुत स्पीकर चल रहा था, बहुत आवाज हुआ था। लेकिन देखिए आप यहाँ कितना भीड़ यहाँ पे जम चुका है। मेन टाइम बंगला चौराहा पटना का, यहीं पे विकी कौशल भी आने वाले हैं। मैं यहाँ पे एक घंटा पहले ही आ गया था ताकि मैं आगे आ सकूँ, क्योंकि मैं अभी देखिए आगे खड़ा होने तो मैं मुझे बहुत पीछे खड़ा होना पड़ता, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो ये जो चीजें हम लोग टीवी पर से देखा करते थे कि फैंस होते हैं जो डेकोरेशन करने के लिए मिठाई वगैरह लेके आते हैं, अल्टो यहाँ पे क्यों है? तो दोस्तों अब हम लोग का इंतजार खत्म हो चुका है। विकी कौशल गाड़ियाँ आना स्टार्ट हो गई हैं। अब देखिए गाड़ी पहले घुसी है, विकी कौशल की एंट्री यहाँ पे हो चुकी है। देखिए हमारे विकी कौशल आ रहे हैं साइगास के साथ यहाँ पे। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ उनका वो डांस परफॉर्मेंस देखने के लिए। तो अब जो अभी बहुत चल रहा है मैं वही देखने के लिए आया हूँ ताकि मैं रियल में देख सकूँ वो डांस स्टेप, और शायद वहाँ दिखाएंगे भी डांस स्टेप विकी कौशल। देखिए हम लोगों को हाई किया विकी कौशल ने। विकी कौशल अभी जा रहे हैं अंदर में, उस पर फिर आएंगे। देखिए विकी कौशल अब अंदर से बाहर आ रहे हैं यहाँ पे। हम लोग तो सारे कैमरा ऑन हो चुके हैं जब विकी कौशल वहाँ पे अंदर से आ रहे थे बाहर, सबको यहाँ पे आए करे थे विकी कौशल। यहाँ बहुत मजा आया मुझे। आप लोगों को पता था कौन कौन आए यहाँ पे कमेंट कीजिए। यहाँ मेन पटना डगवाला चौराहा विकी कौशल आए थे। अब विकी कौशल की एंट्री हमारे स्टेज पर हो चुकी है। विकी कौशल हमसे कुछ बात करेंगे। सारे देखिए कैमरा ऑन हो चुके हैं, सारे मीडिया वाले सब यहाँ पे आ चुके हैं। हाय विकी कौशल, देखिए है कि हम लोग विकी कौशल ने मजा करा था। पूछता हूँ जिसका मुझे लगता है पटना में सवाल पूछने का मतलब है, क्योंकि उसका जवाब मुझे आपके जोश से पता लग गया है। पटना आओ से जोश, ये उनका बात। थैंक यू। क्या जोश जो है वो आई थिंक सुबह से ही हाई है, और इतने हाई जोश के बाद भी वेटिंग फॉर आवर्स उस गड़गड़ाती धूप में आपका पहली बार विकी यहाँ पे पैर रखना हुआ है, लेकिन आपसे पहले को यहाँ पहुंच गया था पिछले साल। देखिए कुछ महीनों पहले हमारी धर्मपत्नी आई थी यहाँ, है ना? तो अभी वो जब घर वापस लौटी थी उन्होंने कहा था यार इतना प्यार मिला पटना वालों से, मैंने कहा अभी मेरी बारी है, मुझे भी आना पड़ेगा। और मैं बहुत साल पहले भी आया था पटना जब हम गैंग्स ऑफ वासेपुर की शूटिंग कर रहे थे, तो अब उतने सालों बाद आज आने का मौका मिला है, और इससे बेहतर और कोई अवसर नहीं हो सकता था मेरे लिए। कि एकदम चेंज हो चुकी है, सोशल मीडिया खोलो, हर आदमी अपने पैर तुड़वाने की नीयत रखता है, क्योंकि सबको वो कॉपी करना है जो आपने शुरू किया। तो दोस्तों विकी कौशल अब डांस करने वाले अपने फेवरेट से तवा तवा पे, जो अभी काफ़ी फेमस है। तो मैं यहाँ पे इसलिए थोड़ा आवाज़ नहीं दे रहा हूँ क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं कोशिश करूँगा बैकग्राउंड में म्यूजिक दे देने के लिए, लेकिन यहाँ पे कॉपीराइट आने का डर है इसलिए मैं पूरा म्यूजिक बजा नहीं रहा हूँ। थोड़ा सा बैकग्राउंड में दे दूँगा ताकि आप लोग डांस को इंजॉय कर सके, लेकिन तब तक डांस स्टेप को तो अब देख ही सकते हैं ना, म्यूजिक नहीं सुन पा रहे, म्यूजिक तो बाद में सुनने जाएगा। यहाँ पर डांस स्टेप इंजॉय कीजिए, रियलिटी में अपने रील पर दिखाओ, लेकिन रियलिटी में दिखा रहा हूँ मैं आपको डांस स्टेप तवा तवा जो काफ़ी रील चल रहा है, काफ़ी लोग रील इस पर बना रहे हैं। क्या मस्त है, विकी कौशल ने पूरा माहौल बना दिया है पटना का डगमगला चौराहा पे। ऐसा माहौल कब एक ही बार बनता है दुर्गा पूजा के समय, जब यहाँ पर मेला होता है इतनी भीड़ तभी आती है यहाँ पे। क्या क्या स्टेप विकी कौशल करे थे, एकदम रियल वाला स्टेप जो गाना में है वही स्टेप यहाँ पे करे थे। क्या मज़ा आ गया था हाई करते हुए, ऐसे ही सा करते हुए, बहुत मज़ा आया था दोस्तों। थैंक यू पटना वालों प्यार के लिए, एंड ऐसे ही आप लैंड ज्वेलर्स को प्यार देते रहिए। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, हम जल्द वापस मिलेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू। तो दोस्तों विकी कौशल अभी जा चुके हैं। तो दोस्तों आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे, मेरी वीडियोज़ को हमेशा यहाँ पे देखते ही रहें। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था मैं विकी कौशल से मिलवाऊंगा, जैसा मिलवाया। तो दोस्तों विकी कौशल अभी जा चुके हैं अपने घर, तो हम लोग भी अपने घर जा रहे हैं। वहाँ पे आवाज़ बहुत बैकग्राउंड में आ रहा था। तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक कमेंट करना ना भूलिए। टाटा बाय बाय।